let's start the mathematics activity. Here is the winter vacation holidays, so try this activity at your home. This is the activity for class 1 and 2 in 1 minute, and here is the topic for you: making 3D diagrams. So try this activity with help of mathematics kit which given in your book. Here is written as net of cube, cuboid, cone and cylinder. So take a shape from in it. Here given some shapes. Okay, तो इसे हमें कट करके निकालना है और उसके बाद इसी से हम 3D डायग्राम्स बनाएंगे. ओके, और उसके बाद आपको उसकी फेसेस, वर्टेक्स, इसको काउंट करके और उसे एक चार्ट पर या फिर अपने नोटबुक में भी एक टेबल बनाकर उस पर राइट डाउन करना है. ओके, और उसे लर्न करना है. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी. Now here I cut all these shapes from MathKit and now I convert it in 3D diagram. Okay. Now here I take one shape for converted in 3D diagram and here see in this side written fold. यहाँ पे fold लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमें इसे fold करना होगा and यहाँ पे जो आपका line draw है इससे पहले आपको यहाँ पर फोल्ड करके एक मार्जिन बना लेनी है जिससे कि बहुत इजीली और क्लीननेस रहेगी आपके डायग्राम में. ठीक है, और ये इजीली बन जाएगा. ओके, जस्ट मेक अ मार्जिन एंड फोल्ड इट एज अलोंग द साइड. हियर आई यूज अ ग्लू and I apply on this side where written fold. Okay, जहां जहां पे भी fold लिखा हुआ है, ये blue दिख रहा है ना आपको marking, उसके back side पर glue apply करना है and जब आप इसको fold करोगे तो फिर उस area को आपको ऐसे paste कर देना होगा. Okay, so नाउ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है ग्लू को. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड करेंगे. सो हियर यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना होगा, फिर आप देखोगे कि हम ये वाली साइड को यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे. ओके, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पेस्ट करना होगा. फिर उसके बाद जब हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड को भी पेस्ट करेंगे. ओके, देखिए मैंने इसे 3 साइड से फोल्ड कर दिया है. अब ओनली 1 फोल्ड रिमेनिंग है एंड इसके बाद जितने भी ये फोल्ड है ना उस पर ग्लू अप्लाई करते हुए हम इसको अटैच कर देंगे. ठीक है, तो हमारा एक 3D डायग्राम यहाँ पे रेडी है. ओके, सो नाउ मेक अनदर डायग्राम. नाउ here let's make a cube shape and I already fold one fold and paste it. Now take another fold. आप step by step fold करते जाएंगे and glue apply करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको easiness रहेगी. ठीक है, so अब हमें ये वाला fold करना है ना, तो हम यहाँ पर glue apply करेंगे पहले और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको बस उसी एरिया में ऐसे स्प्रेड करके यहाँ पर अटैच करते हुए यहाँ से फोल्ड करके प्रेस कर देना है हमें. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर तक आपको यहाँ पे ऐसे अपने फिंगर से ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर हो जाए. Now let's make another fold. Here my cube is ready. Okay, so let's start to make new shape. Here fold it in this way for making a cone just like a birthday cap. Okay, and
यहाँ पर हमें इस तरह से कोण का शेप देना है और फिर यहाँ पर ग्लू अटैच करके आप इसको हल्का सा यहाँ से अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे अंदर फोल्ड कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम ये यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, नाउ हियर रेडी द कोन शेप एंड नाउ मेक अनदर शेप ऑफ सिलेंडर। नाउ टेक द शेप एंड फोल्ड अलोंग द साइड देयर इट इन फोल्ड। Now fold it as in this way. Okay, and paste here. So यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना लिया है और इस तरह से हम सभी 3D डायग्राम्स को बनाएंगे और इसके फेसेस काउंट करके आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसके वर्टेक्स भी काउंट करके अपने नोटबुक में लिखना है एक टेबल बनाकर। ठीक है, और उसे लर्न भी करना है। ओके, सो दिस इज द क्यूबॉइड शेप, क्यूब, कोन एंड सिलेंडर। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।